सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के विषय में, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और संपूर्ण जानकारी रहेगी ड्रैगन फ्रूट के विषय में। जो हमारे किसान साथी हैं पिछले 5 वर्षों का अनुभव रखते हैं ड्रैगन फ्रूट में, और पहले हम किसान साथी से अब जानेंगे किसान साथी का नाम, पता और पूरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो किसान साथियों को एक अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए सर, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं सहदेव सिंह पूनिया जी, ग्राम ढाना देवली सिंबावली जी, जिला हापुड़ से। तो सर, आप कितने वर्षों से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं? ये हमारा 2020 का प्लांटेशन है। अच्छा, 2020 की आपकी प्लांटेशन थी, और इस वर्ष जो है कैमी फ्रूटिंग आप या कितनी फ्रूटिंग कर चुके हैं? चौथी फ्रूटिंग है जी हमारी। इस बार आपकी चौथी फ्रूटिंग चल रही है जी। और मैं जानना चाहूंगा अंकल जी, क्या जब हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए जो किसान साथी हैं, यदि खेती करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या आप सजेशन देंगे या ऐसी क्या जानकारी देंगे जिससे वो किसान साथी एक तो मिट्टी के बारे में जानकारी ले सकें, किस मिट्टी में इसको अच्छा उगाया जा सकता है, या हम क्या क्या फर्टिलाइजर या इसमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें, तो कुछ जानकारी हमारे किसान साथियों को दीजिए कि किस मिट्टी में ये अच्छा हो सकता है। देखिए, सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, मिट्टी मैटर नहीं करती जी, क्योंकि मिट्टी जहाँ पे हम ऐसे लगा रहे हैं जी, पोल अच्छा, के चारों तरफ जो मिट्टी है वो बनके लगेगी, खाद वगैरह और चीजें मिलके वो अच्छा, बनके लगती है। तो आपके खेत की कैसी भी सोयल है उससे कोई मैटर नहीं करता अच्छा, लेकिन खेत की स्थिति जल भराव की नहीं होनी चाहिए, उसमें जल का ठहराव नहीं होना चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही ये ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहिए जी। अच्छा, हमारे किसान साथी को जो जानकारी या ध्यान में रखने वाली बात है, एक तो उस खेत का चुनाव करें जिसमें हमारी जल भराव की समस्या ना होती हो, और मिट्टी के विषय में हमारे किसान साथी ने बताया कि मिट्टी तो आप खुद तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें गोबर की खाद और मिट्टी को उसके चारों तरफ मिक्स करके लगाया जाता है जो हम पौधा लगा रहे हैं। तो मंगल जी, मैं ये और जानना चाहूंगा, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए हमारे किसान साथियों को? देखिए, इस मेथड से हमने लगाया हुआ है, इसे एमओपी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि रिंग पोल सिस्टम। अच्छा, रिंग पोल सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी, हमारी इसमें लाइन से लाइन 10 फीट है। अच्छा, जिस गैप में हम खड़े हुए हैं 10 फीट है जी, ये 10 फीट है, और ये पोल से पोल 6 फीट है, और पोल से पोल की दूरी की यदि बात करें तो ये 6 फीट है। जैसे अभी अंकल जी हमारे ये खेत, मतलब जिसमें हम खड़े हैं, ये खाली है, खाली है, तो इसमें हमारे किसान साथी कुछ सह फसली भी ले सकते हैं? देखिएगा, एक तो सह फसली जब तक आपका पौधा बड़ा नहीं हो रहा, अच्छा फ्रूटिंग पे नहीं आ रहा, फ्रूटिंग स्टेज तक नहीं है, सह फसली ले सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा होने के बाद जो फसल आप लेना चाहेंगे वो ड्रैगन से ऊपर नहीं पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब, अब जिस स्टेज में आपका ये पूरा पौधा है या पूरा प्लॉट है, तो इस स्टेज में हम कंद वर्गीय फसलें ले सकते हैं। भाई, कंद वर्गीय फसलें जो हमारी जमीन के अंदर होती हैं, उन फसलों को तो हम बो सकते हैं, बाकी हमारी ऊंची वाली फसलें जो है हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें समस्याएं आ जाती हैं जी। तो उसमें सह फसली में अगर आप ले सकते हैं तो कंद वर्गीय फसलें बो सकते हैं। आप लहसुन लगा सकते हो, प्याज लगा सकते हो, बंद गोभी लगा सकते हो, जो जी जी, हाँ जो छोटी फसलें वो फसलें आप ले सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने मतलब कौन कौन सी फसलें इससे ली हैं पहले, जो मल्टी क्रॉपिंग में या इसमें मिश्रित खेती में? देखिए, शुरू में जब हमने इसके प्लांटेशन की तो हमने इसके बीच में पपीता लगाया। अच्छा, बीचों बीच इस रो में पपीता था? हाँ जी, बिल्कुल अल्टरनेट जैसी पोल है जी जी, इसमें यहाँ लगा दिया, एक आगे लगा दिया, एक आगे लगा दिया। हाँ, जो हमारे पोल के बीच की दूरी है, मतलब 6 फीट बता रहे हैं, उसमें बीच में हमारा एक पौधा, बीचों बीच एक पौधा इस तरह लगाते चले, लगता चला गया जी जी, इस तरह आपने लगाया, पपीता चला, उसके बाद हमारा ड्रैगन बड़ा हो गया। लेकिन सर्दियों में हम लास्ट ईयर तक इसके बीच में सरसों लगाते थे। अच्छा, पिछले साल तक आपने सरसों लगाई है, सरसों लगा सकते हैं इस गैप में। अब स्थिति ऐसी है जी, इसमें हम सरसों, क्योंकि अभी से एक वर्क इतना होता है, आप सर्दी में भी आपको काम करना होता है, प्रैक्टिस करनी है, तो अब इसमें कोई फसली लगाने की जरूरत नहीं, या इतनी भाई हमारा जो है फल आ रहा है या इतना पौधा बड़ा हो चुका है, तो इस समय हम जो सह फसली है उसे नुकसान ही दे, हाँ जो भी हम सह फसली करेंगे तो नुकसान देगी, तो उसमें अब ये स्टेज है, इसमें हम कोई सह फसली नहीं कर सकते, तो इसमें बस इसका देखभाल हर समय करनी होती है भाई, ऐसा नहीं। और मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा जी,
आपने वाटर मैनेजमेंट किस तरह करा है और किसानों को किस तरह की सजेशन देना चाहेंगे या जानकारी? वाटर मैनेजमेंट के लिए जी शुरू में जैसे कई लोग क्या करते हैं वो रिंग पोल पे लगा लिया और नालियों से उसकी नाली विधि से सिंचाई करनी शुरू कर, कहने का जिसे हम देसी भाषा में बरा बोलते हैं उस तरह का हमने मतलब एक तरीके से उसको पानी देने का एक साधन बनाया फ्लड तरीके से। लेकिन होता क्या है फ्लड से अगर हम पानी देते हैं जी तो पानी या तो एकदम ज्यादा होगा या एकदम सूखेगा बिल्कुल, जबकि पौधा जो डाइट लेगा वो नमी में लेगा, ना तो ज्यादा पानी में उठाता है ना बिल्कुल सूखे में उठाता। अच्छा जी, तो और फिर उसके भरे में जो है अपने नाली जो होती है उसमें खरपतवार होते हैं फिर उन्हें भी सफाई करनी। हाँ भाई, और जो फर्टिलाइजर आपको इनके ड्रिंचिंग करनी है इसकी जड़ में फर्टिलाइजर देना जी, तो आप कैसे दे पाएंगे? तो बेस्ट मेथड जो है इसका वाटर मैनेजमेंट के लिए पानी देने के लिए वो ड्रिप है। अच्छा, ड्रिप मैनेजमेंट इसका करना चाहिए, जड़ में नमी चाहिए और ड्रिप से हमारे लगी बिल्कुल हमारे किसान साथी ने। हाँ जी, तो ये इसकी जड़ में ही नमी लगेगी बिल्कुल, बाकी पानी की कोई जरूरत हाँ जल भराव की आवश्यकता नहीं होती, पर पौधे को पानी की हाँ नमी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं जल भराव आप कर दें, पर इसीलिए बेस्ट सोल्यूशन हमारा जो पानी के लिए मैनेजमेंट रहेगा वो हम ड्रिप का इस्तेमाल करें, तो सबसे बेहतर है। और ड्रिप के माध्यम से हम फर्टिलाइजर भी इसमें दे सकते हैं, यदि फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है तो आप ड्रिप के माध्यम से वहाँ आसानी से या कम समय में हम दे सकते हैं जी। और मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां अधिकांश इसमें अटैक करती हैं, जिसका हमारे किसान साथी पहले से ही एक मॉडल बना के चलें या उसका समाधान लेके चलें। देखो इसकी जो मेन बीमारी है वो फंगस है, इसमें मेन बीमारी जो आती है वो फंगस आती है, फंगस अटैक सबसे ज्यादा होता है। आप ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब भी फंगस आएगी, ज्यादा बारिश पड़ेगी तब भी फंगस आएगी, ज्यादा ठंड पड़ेगी तब भी फंगस आएगी। तो ये एक टेम्परेचर जब अनुकूल नहीं हो पाता या हमारा कम ज्यादा हो जाता है तो उस समय इसमें डिसीज जो आती हैं या बीमारियां आती हैं वो हमारे फंगस ज्यादा आती है। तो जब हमारे वातावरण में भाई बदलाव होगा तो इसमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, उस समय ये फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको समय समय पर यह देख कर करते रहना चाहिए लक्षणों के आधार पर। जी जी, जैसे भी सिचुएशन बनती है जी जी उसी और हिसाब से आपको करना। जी, एक दो सिचुएशन या एक दो हमें लक्षणों के विषय में भी आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि ऐसी क्या लक्षण आते हैं जिससे हमें पता चल सके कि इसमें ये बीमारी आ चुकी है। बीमारी तो फंगस है, फंगस का तो आपको मैं बताऊंगा कहीं चलो आगे हम भी जाएं, कहीं पौधा अगर फंगीसाइड या फंगस लगा हुआ मिलेगा तो आपको दिखाने वाले हैं उसके विषय में। और फिर भी मैं जानना चाहूंगा अंकल जी के कितने दिन के अंतराल पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहें? देखो अंतराल पे तो नहीं है पर्टिकुलर, आपको तब तक फंगीसाइड का उपयोग करना ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तभी करें, इस्तेमाल करें, वरना केमिकल या उसके मारने की कोई जरूरत। हाँ, एक चीज और जी, आप इसमें ट्राइकोडर्मा का समय समय पर अगर वो इस्तेमाल स्प्रे करते हैं जी, जी, तो वो प्रिवेंटिव में चलता है, जो आगे आने वाला कोई फंगस होगा हाँ अटैक होगा तो उससे वो बचाव कर देगा हमारे के रूप में। जी जी, तो हम ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं ड्रिप में? ड्रिप में भी दे सकते हैं, ड्रिप में सारी चीजें आप जो भी है ऑर्गेनिक में जी 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 दे सकते हैं, कुछ भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह सब ड्रिप से चलता जी। और मैं ये भी और जानना चाहूंगा जब हम पौधा शुरुआत में लगाते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए पौधे में? देखो ये एक फसल है जी, अगर हम कोई भी फसल लगाते हैं तो मिट्टी को तैयार करना जी, उसमें सारे पोषक तत्वों की देना जी जी, ये हमारी सबसे पहले किसान की नीड होती है जी जी है? और देना भी चाहिए इसमें भी ऐसी ही है जी, इसे भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेती ना मान के आप खेती माने, इसमें सब चीज की जरूरत होती है। तो उसमें जो हम प्रिवेंटिव खाद वगैरह जो शुरू में तैयार करते हैं उसमें सारी चीज पोषक तत्व मिला के तब उसमें डाला जाता है और फिर वो समय समय पे रिपीट भी करते रहना करने पड़ते जी। लगभग कितने दिन में रिपीट कर लेना चाहिए? तो यह है देखो एक पोषक तत्व आप आज लगा रहे हैं, चार दिन बाद लगा रहे हैं, कुछ 8 दिन बाद लगा रहे हैं, तो ये तो रेगुलर आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, कहने का मतलब पौधे की देखभाल अच्छी तरह हमें करनी होगी जी। और पौधे का जब हम लगा देते हैं तो उस समय भाई सभी पोषक तत्व देने भी चाहिए और ये जरूरत भी है पौधे की। तो ये अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और समय समय पर अपने पौधे को देखते रहना चाहिए और जो भी डिसीज या उसके विषय में जो भी जानकारी आपको मिलती है अभी हम आपको बताने वाले हैं किस तरह के लक्षण होते हैं, तो आप समय समय पर वर्क खासकर कोई कीटनाशक का अधिकांश इस्तेमाल नहीं होता इसमें, बस फंगीसाइड का इस्तेमाल होता है।
और पौधे के लिए बहुत अच्छी सॉइल की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी सॉइल में इसको कर सकते हैं, पर उस सॉइल का भी आपको ट्रीटमेंट अच्छा करना होगा। इसमें जितने भी आप ऑर्गेनिक चीजें देंगे उतना अच्छा होगा। जी किसान साथियों, अब हम जानने वाले हैं हमारे ड्रैगन फ्रूट का ट्रांसप्लांटिंग का उचित समय क्या होता है। तो ट्रांसप्लांटिंग का ड्रैगन फ्रूट का उचित समय क्या होता है सर? देखिए, प्लांटेशन के लिए वैसे तो सभी फसलों के लिए जो अपने बागवानी के हैं जी, इनका बढ़िया टाइम होता है मार्च का महीना होता है जी। लेकिन इसे आप केवल सर्दी के मौसम को छोड़ के कभी भी लगा सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी खेत की तैयारी करवाई जाएगी, उसी हिसाब से प्लांटेशन के लिए फिर जिससे पौधा अच्छे तरह सर्वाइव कर पाए उसी उतनी तरह से लगवाया जाए। हाँ, गाइड भी आप मतलब गाइड किया जाता है, गाइडेंस जी जी उस तरह की गाइडेंस भी दी जाती है। हाँ, केवल सर्दी को छोड़ के लगा कभी भी लगा सकते हैं सर्दी लेकिन को, आइडियल टाइम जो है वो मार्च का है। आइडियल टाइम जो है वो मार्च का है। मार्च का। और मैं ये भी जानना चाहूंगा अंकल जी, अगर आप इस तरह के फ्रूटिंग जो आपने बताया मार्च में करते हैं, तो इसके फल फूल किस तरह होता है, इसका फल कैसा होता है, और इसमें क्या क्या और चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और मार्केट में इसकी डिमांड के विषय में बात करेंगे। देखिए, जैसे हमने मार्च में प्लांटेशन की तो अगले साल जुलाई में जाके उसका फ्रूटिंग आएगी। अच्छा, अगले साल जाके जुलाई में। हाँ जी, और जैसे कली है, ये देखो ये कली है, पहले इस तरह की बर्ड्स निकलती हैं जी, फिर ये इस तरह बड़ी होती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा और बड़ी। हाँ, बढ़ गई और फिर इस तरह से ये फूल बन जाता है इसका। अब सुबह फूल खिले थे ये, जी जी अब ये इनका परागण हो गया है नीचे अपने, अच्छा पूरा फूल का काम पूरा हो गया और इसके बाद फूल फूल हो गया, फूल खिल के और फिर इस तरह का फल बन जाता है। भाई देख सकते हैं आप, धीरे धीरे इसमें से जो है फल बनना भी शुरू हो गया। ये पीछे फल है जी, आगे फूल है आगे और फूल, इसके बाद ये फिर फल की स्थिति है, लेकिन ये फल छोटा है, डेवलप नहीं है। हाँ, जैसे अब मैच्योर होगा बड़ा साइज हो जाएगा इसका, जैसे जैसे मैच्योर होता हाँ, रहता हाँ, उसी तरह इसका साइज भी जैसे बढ़ता रहता है। आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे अच्छे साइज में, मतलब यहाँ डेवलप भी है पूरे पौधे। और थोड़ा सा मैं ये और जानना चाहूंगा, मार्केट में डिमांड कैसी होती है इस फल की? देखो मार्केट में तो फ्रूट है, फ्रूट फल आप कोई भी लगा रहे हैं वो सबकी मार्केट में डिमांड अच्छी है, लेकिन ये चीज जो है ये वर्ल्ड के टॉप 10 सुपर फ्रूट में नंबर है इसका। अच्छा, वर्ल्ड के जो टॉप 10 हमारे फ्रूट होते हैं फ्रूट होते हैं उसमें इसका नंबर भी उसमें है। नंबर है जी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है जी और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डॉक्टर तक इसे रिकमेंड करते हैं। हाँ, जो डॉक्टर भी इसको हाँ, रिकमेंड करने लगे हैं। तो इसमें रक्त अल्पता हो जी या प्लेटलेट घट रही हो या स्ट्रेस में हो बंदा, अच्छा, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये बहुत कारगर है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत ही अच्छा कारगर अच्छा है, काम करता है। तो इसका तो इस बात से अंदाजा आप किसान साथियों लगा सकते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू होगी मार्केट में। जी, तो फिर भी मैं एक किसान साथी के अनुभव के लिए आपसे जानना चाहूंगा, आपका फ्रूट कितने रुपए केजी तक यहाँ से जाता है? देखिएगा, मैंने शुरू में जब जिस दिन पहली फ्रूटिंग आई मेरी जी जी तो मैंने उस समय रेट रखा था 200 रुपये किलो का, 200 रुपये किलो का। और आज चौथी फ्रूटिंग हमारी, आज भी 200 रुपये किलो का ही रेट है। आज भी 200 रुपये किलो का ही रेट है? कोई जैसे मार्केट में डिमांड ज्यादा तो उस हिसाब से हमारे किसान साथी ने रेट को नहीं बढ़ाया, रेट नहीं बढ़ाया, जो हमारी रेट पहले साल से रखा था वो ही आज भी है। आज भी और 200 रुपये केजी किसान साथी का हमारे यहाँ से फल घर से जाता है, घर से जाता है जी। और पिछले साल का जो प्रोडक्शन रहा है आपका, उसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, कितना रहा है पूरे पिछले साल? देखिएगा, प्रोडक्शन की बात है, कई बार लोग देखते हैं अभी, हाँ ड्रैगन फ्रूट लगाओ 10 लाख कमाओ, ड्रैगन फ्रूट लगाओ 10 लाख कमाओ, तो यूट्यूब पे या बहुत सारी वीडियो आती है इस चीज जी, इस तरह की। तो ऐसा नहीं है, आपने पौधा लगाया लगाया और आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमा लेंगे, जी, ऐसा जी, नहीं है। हाँ, इसका भी सिस्टम है, जब प्रकृति का नियम है, जब पौधा ये छोटा होगा तो फ्रूटिंग कम आएगी, कम आएगी, प्रोडक्शन कम सच्चाई है, होगा, बिल्कुल और जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाएगा वैसे ही इसके प्रोडक्शन बढ़ता चला बढ़ता जाएगा। चला जाएगा। अब मेरी फ्रूटिंग जो थी पहले साल की 5 क्विंटल थी, 5 क्विंटल पहले साल में पहले जो साल आपने तोड़ा या काटा था? हाँ जी, तो पहले साल में जब 5 क्विंटल हुआ तो उसके बाद अगले साल 20 क्विंटल हुआ, यानी कि 4 गुना मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और अगले साल तीसरी फ्रूटिंग में हमारा 51 क्विंटल हुआ, जी, और इस बार देखो 51 क्विंटल बहुत जबरदस्त है। जी, अब देखो क्या निकलता है आगे आने वाली बार। 51 क्विंटल पिछली काट का है, मतलब पिछले वर्ष का टोटल प्रोडक्शन हमारा 51 क्विंटल 51 क्विंटल। हाँ जी, और रेट का कैलकुलेशन किसान साथियों आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसान साथी ने बताया
₹200 किलो घर से जा रहा है या फार्म से जा रहा है जी। तो कैलकुलेशन या आप एक मिनट वीडियो को रोक के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने का ये जाता है या कितने का ये साल में बेच रहे हैं जी। और मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। आप ये ना सोचें आपने एक बार लगा दिया और फिर आप 10 लाख रुपए ही कमाना शुरू कर देंगे। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और समय समय पर इसकी देखभाल भी और उससे ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है, अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो इसे आप कोई भी बागवानी है जी जी, लेकिन बड़ा सेंसिटिव पौधा है, इसकी देखभाल आपको हर समय करनी पड़ेगी जी जी, तभी तो प्रोडक्शन आएगा। बिल्कुल जी हाँ, जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं तो इसी तरह भाई हमें इसकी केयर भी करनी पड़ेगी और तभी हम इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और हमारे किसान साथी ने पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो लगभग 10 लाख के आसपास का फ्रूट बेका है। तो किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी आप किसान साथियों कमेंट करके बता सकते हैं। तो किसान साथियों, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद जय भारत।